गुड मॉर्निंग गाइस। तो नया दिन नई शुरुआत, और आज हम जाएंगे, बहुत दिनों के मुझे कहीं गए हुए, तो मैंने सोचा अपने एक फ्रेंड को कॉल किया मैंने, और सोचा कि आज कहीं जाते हैं। वही काफ़ी दिन हो गए, धूप बहुत ज़्यादा हो गई है सुबह सुबह, तो आज मैंने सोचा कि कहीं जाते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, कहीं गए नहीं हैं, घर पे ही बैठे हुए हैं। तो हमारा एक प्लान है, अभी शाम को हम 2 या 3 बजे तक मेरे घर से निकल जाएंगे। तो अभी का सीन ऐसा है कि अभी तो मौसम साफ़ हो गया, पर रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। जैसे कोई, मैंने 8:30-9 बजे तक अपना लंच डिनर करा, और जब अपने रूम में वापस आया तो बाहर देखा तो बारिश लगी, इतनी ज़्यादा बारिश लगी थी। मुझे टेंशन हो गई कि हम जा पाएंगे या नहीं, पर मैंने गूगल पे चेक करा कि मौसम कैसा है, तो उधर देखा मैंने तो ठीक ही था, 3-4 दिन बारिश नहीं थी। अभी सुबह उठ के देखा तो मौसम एकदम क्लियर हो गया, साफ़ हो गया, और धूप लगी है, बहुत ज़्यादा धूप है। मतलब कि दिन में तो बहुत बुरा हो जाता है यहाँ पे धूप से। अभी आपको दिखाता हूँ मैं बाहर कैसा दिखता है सुबह सुबह, कैसे दिखता है मेरे रूम से बाहर, कैसा दिखता है सुबह सुबह। चेक इट आउट गाइस, ये है मेरा रूम यहाँ पे अंदर, और मेरे रूम से बाहर निकलते ही ऐसी जगह दिखती है ये। यहाँ पे पहाड़ है और हमें वहाँ जाना है, यहाँ ये आपको पहाड़ दिख रहे होंगे ना, ये यहाँ से हम जाएंगे बनीखेत तक। बनीखेत से ढलौसी जा सकते हैं हम। अभी प्लान का पता नहीं, बस इतना पता है कि घर से निकलना है आज, आज निकल जाएंगे, और अब पता नहीं कि जाना कहाँ है ये नहीं पता। तो आई जस्ट टॉक टू माई फ्रेंड एंड वी डिसाइड टू गो ऑन अ बस, तो हम बस पे जाएंगे। बस पे जाने का ये फ़ायदा है कि हमें, अगर अपनी गाड़ी में जाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, थोड़ी अरे कहना क्या चाहते हो? होता है, बहुत ज़्यादा कुछ होता है। तो अभी क्या मैं बताऊँ आपको, तो बस पे जाएंगे, बस पे थोड़ा, क्योंकि मुझे गए काफ़ी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो कम से कम नहीं तो 2 साल मुझे हो गए हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि वी शुड गो ऑन अ बस, तो देखते हैं। अभी अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर तैयार होकर आपसे मिलता हूँ, ठीक है? सो गाइज, आई एम ऑफ टू माई ट्रिप एंड देर इज़ अ चेंज इन माई प्लान, नॉट गोइंग इन द बस, हम बाइक से जा रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे भैया आए हैं तो उनके साथ मैं बाइक पे जा रहा हूँ। बस मैं आगे पकड़ लूँगा अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ मेरे घर से अभी हम बाइक पे जाएंगे और उसके बाद में बस पकड़ेंगे हम। तो अभी चलते हैं, और अभी बाद में आपको एक चीज़ दिखाऊंगा मैं बहुत अच्छी, ये जगह है जो मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको दिखाऊंगा, दिस इज़ द प्लेस आई वॉन्टेड टू शो यू। तो ये जो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, एटलीस्ट कम से कम नहीं तो 40-50 किलोमीटर दूर है। और ये देख रहे हैं आप, ये दिस दिस थिंग, ये जो है ये है डैम, ये चमेरा डैम है, चमेरा वन प्रोजेक्ट। और अभी मैं दूर तो आ चुका हूँ, पर अभी आपको दूसरी साइड दिखा जाऊँगा, और दिखाऊँगा आपको कि ये जगह कैसी है। तो गाइज़, ये है चमेरा डैम जिसके अभी ऊपर है हम, ये देखिए, ये पूरा का पूरा एक डैम है, अभी इसके ऊपर है, काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो गाइस, ये है डैम, चमेरा डैम, चमेरा प्रोजेक्ट वन जो मैं आपको दिखाना चाहता था। और ये जो दूसरी साइड रिवर है यहाँ पे, ये जो नदी है ना, ये दो नदियों का मिक्सचर है, एक हो गई चिनाब।
और दूसरी होगी रावी, और यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसे बोलते क्या है मुझे वो तो नहीं पता, पर वो क्या बोलते मुझे नहीं पता। यहाँ से पानी आता है, यहाँ से पानी आता है और पंजाब को जाता है। यहाँ से लोग ये भी कहते हैं अगर ये सातों के सातों चैनल अगर खोल देना तो पंजाब पूरा बह सकता है इस पानी से, पूरा का पूरा पंजाब। अभी हम जस्ट पहुँचे हैं और हमें आए हुए 15 मिनट हुए हैं, हाँ 15 ही मिनट हुए हैं बस अभी पहुँचे, और आज के लिए बस इतना ही होगा। और कल हम बन गए कौन से जगह यार, डलहौजी जाएंगे, और कल मैं आपको फिर वहाँ का दिखूँगा। वहाँ ठीक है, बाय, कल मिलते हैं।